जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी की पंजाब की रैली के समय प्रदर्शनकारियों की वजह से उनके काफिले को 20 मिनट हाईवे पर रुकना पड़ा और पीएम को बिना रैली किए वापस लौटना पड़ा। इसी विषय पर आज हम देखेंगे कि सभी पार्टियां कैसे इस मुद्दे पर अपनी अपनी सियासत खेल रही हैं और गोदी मीडिया कैसे इस मुद्दे पर अपनी चाटुकारिता कर रही है। किसानों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कह रहा कि किसानों को तो पता चल गया होगा इस रूट से जा रहे तो वे भी आगे होंगे वहां पे सड़क। लेकिन राकेश टिकैत जी, कल तो ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 15 मार्च को बाकायदा किसान नेताओं की मुलाकात की बात तय हो गई है। 15 मार्च को किसानों के नुमाइंदे जो हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेंगे और मामला सुलझ गया है। फिर इस विरोध प्रदर्शन का क्या मतलब था? क्या देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंधक बनाने की मंशा थी किसानों की? कोई नहीं कोई नहीं, ये तो चैनल वालों का वो है। ये जो कल से चैनल वाले चला रहे हैं ना, ये बचका आगे वहां से जान बचगी, ये बचगी, ये कौन सी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री के लिए? ये कौन सी लैंग्वेज प्रधानमंत्री के लिए? चैनल वालों की लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको जरा सा सही कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद ये बात कही गई भटिंडा एयरपोर्ट पर मौजूद पंजाब के अधिकारियों से। उन्होंने कहा है, पीएम ने कहा है कि अपने मुख्यमंत्री से थैंक यू कह देना, मैं जिंदा लौट पाया। ये प्रधानमंत्री ने कहा है सर, हम सिर्फ वो दिखा रहे। तो गलत चीज है ना ये भी कहना, वे जिंदा लौट पाए भाई, उनकी भी ठीक चीज नहीं है। अगली वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी किसान या प्रदर्शनकारी मोदी जी के काफिले के आसपास भी नहीं है, बल्कि जो आसपास लोग हैं वो उन्हीं की पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हीं के नाम के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर जब लाइव डिबेट में संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए तो कैसे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेहित ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मंत्री ने जो कहा उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दिक्कत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ताओं को, उनके मंत्रियों को लगता है कि मोदी जी भाजपा के एक लीडर हैं। जी नहीं, मोदी जी 135 करोड़ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे और आप दोनों के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है और उनसे घोर वैचारिक मतभेद होते हुए भी हम सब उनकी लंबी आयु की, उनकी कुशल क्षमता की प्रार्थना करते हैं। पहली बात, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ। उनको भाजपा का नेता बनाने की ये जो गंदी राजनीति करी जा रही है, घिनौना तमाशा किया जा रहा है, ये प्लीज मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, चन्नी जी ने क्या कहा? चन्नी जी ने कहा कि क्योंकि मुझे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और मेरे निजी सेक्रेटरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा मैं क्या करूं, मुझे जाना था रिसीव करने, उन्होंने कहा आप मत आइए, आप वीसी से ज्वाइन करिए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी संबंधित थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उनको भी मना किया गया कि आप संपर्क में मत आइए क्योंकि आसपास के लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। पहले तो मैं ये जो झूठ यहां पे पहला परोसा गया उसका जवाब ये है। एक और बात आपसे अंजना जी मैं पूछना चाहती हूं। आज देश के प्रधानमंत्री, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने तथाकथित रूप से, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आया है, ये आप लोगों ने एनआई के माध्यम से दिखाया जहां उन्होंने कहा जाकर कह दो मैं जिंदा बच के आ गया। क्या आज हमारे देश के हालात इतने अराजक हो गए हैं, इतना लॉलेसनेस है, इतना लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया है? क्या पंजाब की 3 करोड़ जनता प्रधानमंत्री की जान की दुश्मन बन गई है? क्या पंजाब जहां से हमारे यहां अन्न पैदा होता है, जहां के लड़के हमारी सरहद पे लड़ते हैं, जिन्हें जितने झंडे इन्होंने आज तक नहीं फहराए होंगे उससे ज्यादा उनके कफन में लिपट कर आते हैं, क्या वो आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं? आप पंजाबियत की पंजाब के सारे दुनिया में मखौल उड़ा रहे हैं। आज उस देश का प्रधानमंत्री अगर कहता है कि उसको देश के एक राज्य में अपनी जान का खतरा है तो दुनिया क्या सोचेगी? हम बनाना रिपब्लिक है, हमारे अंदर इतनी अराजकता हो गई है? ये मैं सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ और इसीलिए राजनीति करिए, राजनीति पूरी तरह से करिए, करनी चाहिए आपको राजनीति, आप तो करते हैं राजनीति, लेकिन अपने पद की गरिमा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगले क्लिप में आप देखेंगे कि इसी विषय को लेकर रूबिका लियाकत जी
बीजेपी की प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रही थी, तभी कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। रखते हुए पंजाब की सरकार को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं कांग्रेस को, ये मान लेना चाहिए कि गलती हो गई, चूक हो गई, लेकिन इसके इतर आप लोग जब ये करने लगते हैं कि वो तो भीड़ नहीं थी भाई साहब, इन लोगों ने पॉलिटिकल ड्रामा करने की कोशिश की, शोभा नहीं देता है अलका लांबा। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है कि वो पूरे पंजाब पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर विश्व भर को बता गए अपने ही जमीन पर, अपनी ही धरती पर, अपने ही भारत के, अपने ही पंजाब के भटिंडा से वो जिंदा बचकर चले गए, और यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिना बताए गए थे वहां से सुरक्षित लौटे, यहाँ खतरा आ गया। शर्म आती है, बंद करिए पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करना। ये प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं है रूबिका, आपने कहा देश के इतिहास में पहली बार हुआ, नहीं हुआ पहली बार, पढ़िए, प्रधानमंत्री मोदी जी बिना सुरक्षा के रूट के स्वच्छता श्रमदान के लिए निकल गए थे, तस्वीरें एक सेकंड, ये नोएडा में कॉन्वॉय में फंस गए थे, जांच बिठाई गई, तब तो नहीं कहा प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरा था, राष्ट्रपति जी तक जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, ये तो बहुत बार हुआ है। वाराणसी में भी 2009 में प्रधानमंत्री जी, माफी चाहूंगी, अहमदाबाद के अंदर 2009 में मनमोहन सिंह जी के ऊपर जूता फेंका गया था, 2005 में नवंबर में जेएनयू में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है, तो ये कहना, और रकाबगंज गुरुद्वारा सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी बिना पुलिस, दिल्ली पुलिस को सूचित किए चले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी का रूट, गुमराह करना बंद करें, बिल्कुल भी सड़क के रास्ते जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था, सच्चाई है रैली फ्लॉप थी, लोग नहीं आए, सच्चाई है कि पंजाब के किसान, पंजाब के लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, गुस्सा था कि दिल्ली की दहलीज पर किसान गया, आपने नहीं सुनी, 700 किसान शहीद हो गया, वो जिंदा नहीं आया, आप फिर भी जिंदा गए क्योंकि आप सुरक्षित थे, क्योंकि आपके पास अपनी SPG थी। इस वीडियो को देखने से एक प्रश्न तो उठता है कि आज से पहले मोदी जी जहां भी जाते हैं क्या वहां लोग नहीं होते? अगर होते हैं तो क्या वो बस पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ होती है? आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।